किसानों के लिए फिर आफत बनी बेमौसम पत्थरों की बारिश, फसल खराब होने से लाखों की नुकसान की आशंका। बेमौसम की बारिश ने एक बार फिर किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसानों के खेतों में खड़ी चना, अरहर, मिर्च और गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। इस बेमौसम बारिश से किसानों की लाखों के नुकसानों की आशंका बताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 18 मार्च से ओलावृष्टि और बारिश का दौर शुरू हुआ था, जो अभी भी थमा नहीं है। रुक रुक कर बारिश व ओलावृष्टि बेमौसम निरंतर जारी है। गढ़वा जिले के केतार, भवनाथपुर, खरौंधी, कांडी, बंसीधर नगर, रमुना, मिराल सहित पूरे जिले में दोपहर बाद मौसम में आए बदलाव से तेज आंधी के साथ बरसात होने लगी, जो देर शाम तक जारी रही थी। क्षेत्र में इस समय रबी सीजन की फसलों की कटाई का काम चल रहा है। जिले में इस सीजन में विभिन्न क्षेत्रों में फसलों की बुआई हुई थी, जिसमें से कुछ जगहों पर फसल पककर तैयार थी और कहीं कहीं फसल कट भी चुकी थी। खेतों में ज्यादा पानी भरने से गेहूं में भी नुकसान हुआ है, वहीं सरसों की भी गुणवत्ता खराब हुई है। जिले में कुछ क्षेत्र में अरहर की बुआई हुई थी, जिसमें से 50% अरहर की कटाई हो चुकी है, वहीं शेष फसल खेतों में खड़ी है। कटी हुई व खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में 60% से ज्यादा नुकसान की आशंका है, जिससे जिले में करोड़ों से ज्यादा का नुकसान होने का आदेशा है। वहीं आसपास के क्षेत्रों की भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। केतार में अनाज एवं खेतों में बची हुई है। पिछले दिनों खराब मौसम होने व मौसम विभाग की चेतावनी के बाद किसानों ने आनन फानन में गेहूं व सरसों की फसलों को बचाने के लिए अधपक्की स्थिति में ही कटाई शुरू कर दी थी, लेकिन पुनः मौसम खराब होने की वजह से कटी हुई फसलें समेट नहीं पाए, जिससे खेतों में पड़ी फसलों के अनाज भीगने से नुकसान देखा जा सकता है। सरकार को किसानों का आपदा अनुदान व फसल बीमा क्लेम दिलाने हेतु गंभीरता बरतनी होगी। बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के कारण केतार क्षेत्र सहित जिले भर के किसानों के खेतों में खड़ी फसलों में भारी नुकसान की भयावह समाचार देखने को मिल रही है। किसान बड़ी मेहनत व लगन के साथ खेती करके देश और प्रदेश के लिए अनाज की पैदावार करता है। बेमौसम बारिश ने अन्नदाता के सपनों को ही चकनाचूर कर दिया।